पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेमनगर गुरुद्वारा में आयोजित कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं एक प्रेस वार्ता में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और चेतावनी भी दी। देखिए रिपोर्ट। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने किसान कानून को लेकर कहा कि भाजपा कहती है कि उन्होंने किसानों को मुक्त कर दिया। ये कानून आने के पहले भी किसानों को छूट थी। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज ने खुद कहा था कि वे अन्य प्रदेशों का गेहूं नहीं तोलेंगे। उनकी कथनी और करनी में अंतर है। इस दौरान उन्होंने खाते गांव का एक उदाहरण दिया और कृषि मंत्री कमल पटेल को भी घेरा। किसानों का मसला है, सही बात तो ये है कि दो तीन चार बातों को मैं खुलासा करना चाहता हूँ। भाजपा कहती है कि हमने किसानों को मुक्त कर दिया। कब वो मुक्त नहीं थे? ये कानून आने के पहले भी किसानों को छूट थी। मंडी में बेचें, बाहर बेचें, दूसरे प्रांत में बेचें, इधर तो ये बात कह रहे हैं। और खुद शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया था कि हम अन्य प्रदेशों का गेहूं नहीं तोलेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया था। तो उनकी कथनी और करनी में अंतर है। इसलिए पहली बात तो ये बात झूठ है कि हमने किसानों को मुक्त कर दिया, मुक्त पहले से ही। दूसरा, ये तीनों कानून साथ में क्यों लाए? एक कानून है मंडी को कमजोर करने का, बिना मंडी टैक्स दिए आप कोई भी अपना मंडी खोल ले और किसानों से अपना खरीद ले। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे ही वो मंडी कानून एग्रीकल्चर एपीएमसी को और मंडी कानून खत्म होने का हुआ, एक खोजा ट्रेडर है खातेगांव का, उसने अपना मंडी खातेगांव का लाइसेंस निरस्त कराया और पैन कार्ड और आधार कार्ड के ऊपर उसने खरीद चालू कर दी। 5 करोड़ का धान मूंग खरीद कर गायब हो गया। हरदा के किसान, होशंगाबाद के, सीहोर के किसानों का, खातेगांव का वो पैसा खा के भाग गया। और ये माननीय कमल पटेल जी जो कहते हैं किसानों का बहुत बड़ा काम कर दिया, उनका सगा भतीजा प्रदीप विष्णु पटेल का 43 लाख रुपए का माल लेके वो खोजा ट्रेडर भागा। आज तक वो पकड़ा तो गया लेकिन एक पैसा उसके पास है ही नहीं, तो क्या करोगे? पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कृषि कानून को लेकर कहा कि ये कानून किसानों के समर्थन में नहीं है। इस कानून में किसान अदालत में नहीं जा सकते हैं। कि माल डिलीवरी होने के 3 दिन बाद पेमेंट हो। अब चेन्नई के ट्रेडर ने यहां धान खरीद लिया, माल डिलीवर हो गया, पेमेंट आया नहीं। अब किसान क्या करेगा? चेन्नई में ढूंढने जाएगा, उसको वो पैन कार्ड आधार कार्ड फेंक देगा, कहां से वसूल करोगे? अब वो जाएगा एसडीएम के पास। इस कानून में अदालत में आप जा ही नहीं सकते। कोई किसान मंडी का नए कानून आने के बाद अगर कोई उसका पेमेंट नहीं होता है तो वो अदालत जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता साहब? ऐसा कौन सा आपने कानून बना दिया भाई, या कौन सा हित हो गया इसमें किसान का? ये किसान अगर पैसे लेके कोई भाग जाए तो वो अदालत ही नहीं जा सकता। दूसरा, इस कानून के अंदर अधिकारी कर्मचारी अगर किसी किसान के साथ या व्यापारी के साथ उसको गलत व्यवहार करे तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ये भी किसके कानून में है? क्या ये किसान के पक्ष में है? दिग्विजय सिंह ने कहा कि मूल रूप से यह बड़े बड़े कॉरपोरेट को एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट में प्रवेश देने का दरवाजा खोला गया है। यह मार्केट 15 से 18 लाख करोड़ का मार्केट है। ये बड़े बड़े कॉरपोरेट को एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट में प्रवेश देने का एक दरवाजा खोल दिया।
और इसकी कहीं किसी से चर्चा नहीं हुई है। जो ड्राफ्ट बना के बड़े बड़े कॉर्पोरेशन दे दिया उसको इन्होंने ऑर्डिनेंस कर दिया। एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट इस देश का 15 लाख से 18 लाख करोड़ का ये मार्केट है। दलहन तिलहन अनाज फल फ्रूट दूध सब मिला के 15 लाख से 18 लाख करोड़ का मार्केट। इस मार्केट में इन कॉर्पोरेट्स का प्रवेश नहीं था, इसलिए कानून लाए गए हैं ताकि वो जहां चाहे जितना चाहे वो खरीदे। अब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ये किसके पक्ष में था? कंज्यूमर के पक्ष में, किसान के पक्ष में कंज्यूमर के पक्ष में। कंज्यूमर के लिए भी था कि भाई जमाखोरी और कालाबाजारी ना हो। अब इसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अब छूट दे दी है कि आप लाखों टन अनाज खरीदो और आप पर कोई बंदिश नहीं है। ये किसके पक्ष में है? ये उपभोक्ता के पक्ष में है क्या? ये पूरा षड्यंत्र है। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी अगर किसान और व्यापारी के बीच में कहीं, और कॉन्ट्रैक्ट कोई छोटा मोटा व्यापारी करेगा नहीं, बड़े व्यापारी करेगा। पूर्व सीएम ने चेतावनी दी है कि मोदी जी अहम और अहंकार छोड़ दें, किसान हटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अब अगर नहीं माने तो मध्य प्रदेश से 50,000 किसान दिल्ली कूच करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कृषि कानून पर सवाल उठाए, वहीं 50,000 किसानों के दिल्ली कूच करने की चेतावनी भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, जबलपुर।